हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग आ चुके हैं शिवनाथ नदी के तट पे, जहाँ पे हम लोग माता रानी की प्रिपरेशन देखने वाले हैं। 9 दिन हमारे यहाँ बहुत अच्छे से माता रानी की सेवा की जाती है और उनको फिर विसर्जन भी किया जाता है। तो विसर्जन जैसा नियम है वैसे ही करना पड़ता है। बहुत मायूसी साथ छा जाती है, लेकिन विसर्जन जैसा नियम है वो तो करना ही पड़ेगा। और हर साल यहाँ पे शिवनाथ नदी में बहुत सारी माता रानी का विसर्जन किया जाता है। और देखिए कितनी अच्छे से प्रिपरेशन किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे पुलिस वाले भी हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो आप प्लेटफॉर्म टाइप का देख रहे हैं, जो पहले क्या करते थे, स्कूल से गिरा देते थे, तो ये बहुत बुरा लगता है, ये गंदी बात है। तो इसलिए ऐसा प्लेटफॉर्म टाइप का बनाया गया है टीन से, जो डूबेगा नहीं। इस पे माता रानी को पहले चढ़ाया जाता है, जो छोटी माता रहती है, और उनको फिर दूर ले जाके गहरे पानी में ठंडा कर दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कुछ माहौल है शिवनाथ नदी का। और वो ऊपर वाला ब्रिज है और ये नीचे वाला ब्रिज है। अभी तो बहुत कम रोशनी, लाइटिंग सब कम है। और जब यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी प्रिपरेशन चल रही है। और जब अंधेरा हो जाता है तब यहाँ पूरी लाइटनिंग भी की गई है, ताकि अच्छे से सब माता रानी का विसर्जन हो जाए, बड़े धूमधाम से हम उनको विदा कर पाए। और देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे गोताखोर भी रहते हैं, जो कुछ दुर्घटना होने पे सहायता कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे पंडाल लगा के, टेंट लगा के सारे पुलिस वाले लोग रक्षा के लिए रहते हैं, सेफ्टी के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, क्रेन भी है वहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, क्रेन भी रखाया गया है, जिससे माता रानी को आराम से सुविधा हो विसर्जन करते समय। ऐसी क्रेन रहती है। और ये देखिए सब यहाँ पे सारा प्लेटफॉर्म टाइप का बनाया गया है और सारी सुविधाएं यहाँ पे, लोग आते हैं बड़े धूमधाम से माता रानी विदा करके जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मोटर बोट्स भी है, जो सेफ्टी के लिए रहती हैं, विसर्जन करते समय अगर कुछ दुर्घटना हो जाए, घट जाए, तो ये आसानी से बचा सकते हैं उनको। तो कुछ ही समय में यहाँ पे बहुत भीड़ जमा हो जाएगी और मेले का माहौल बन जाएगा। और फिर हम आपको दिखाते हैं दुर्ग में कितनी अच्छे तरीके से माता रानी का विसर्जन किया जाता है। और यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से माता रानी को विदा करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये लोग यहाँ दुर्गा विसर्जन करने जा रहे हैं, माँ दुर्गा को टाटा बाय बाय कहने। और अभी हम भी इनके साथ साथ जा रहे हैं नदी, और हम आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, विसर्जन के उत्सव में कितने बढ़िया तरीके से माहौल बनाया गया है। यहाँ पे बाजा गाजा से इनको ले जाया जा रहा है माता रानी को। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलने वाले शिवनाथ नदी, जहाँ पे बहुत सारी माता रानी दिखने वाली। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है यहाँ पे माता रानी को विदा करने के लिए, और यहाँ पे आरती भी हो रही है उनकी। बड़े बड़े ट्रक ट्रेलर में लाया जाता है उनको।
ये देखिए फ्रेंड्स, और वो देखिए माता रानी को विसर्जन कर दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसी बोट से माता रानी को ले जाया जाता है गहरे पानी में, उसके बाद उनको विसर्जित किया जाता है। वो देखिए फ्रेंड्स, ऐसी बड़ी बड़ी मूर्ति हाथ से उठा के लाई जाती है और इस ट्रेलर में रख के पहले वहाँ उनकी पूजा की जाती है, उसके बाद इस ट्रेलर में रख के इन्हें गहरे पानी में ला के बड़े धूमधाम से विसर्जित किया जाता है। जय माता दी। और फ्रेंड्स, मैंने एक बात बताना भूल गया, मैंने अभी नोटिस किया, ये जो आप देख रहे हैं इसके आजू बाजू जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, वो इसलिए लगाया गया है, और ये पूरा रस्सी से ऐसे कवर है, वो इसलिए लगाया गया है जो भी कचरा हो शिवनाथ नदी में वो साफ पानी से ना मिले। और जब ये सारी विधि माता रानी का नवरात्रि त्यौहार ख़त्म हो जाए, उसके बाद इसे खींचते हुए पूरा लेके आएंगे और उसके बाद साफ कर लेंगे, इस पानी से निकाल लेंगे, जिससे कि ये पानी गंदा ना हो। और ये जो शिवनाथ नदी का पानी है, ये सीधा हर घर में जाता है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसे क्लीन रखें। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसी तरह से मूर्ति इन प्लेटफॉर्म्स में लेके ले जाई जाती है और फिर इन्हें विसर्जित किया जाता है। कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे आने के बाद इनकी पूजा की जाती है। यहाँ पे छोटी सी बड़ी सारी तरह की मूर्ति आती है, देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, इन्हें तो जानते होंगे सब। ओम परिसर व्यापारी संघ का दुर्गा विसर्जन के लिए शिवनाथ नदी पहुँच चुका है। माँ देवी विसर्जन की तैयारी में हमारे व्यापारी संघ, हम भाई एम के पांडे जी साथ में हैं और माँ देवी विसर्जन की तैयारी चल रही है, और हमारे अभी कुछ क्षणों में माँ देवी का विसर्जन हो जाएगा। धन्यवाद। आरती की तैयारी चल रही है। तो बता सकते हैं 9 दिन आपका कैसा बीता? 9 दिन बहुत माँ शेरावाली की कृपा से बहुत अच्छा दिन गया। मैं चाहता हूँ कि सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहे और सब अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय माता दी। तो विसर्जन करने पर आपको कैसा फील हो रहा है? विसर्जन करने पर आप जानते हो माँ मन दुखी हो जाता है, माँ देवी का 9 दिन पूजा अर्चना करने के बाद तो बहुत दुख भरी स्थिति रहती है। जय माता दी। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, भावुक हो गए हैं ये, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे माता के बारे में? अब बहुत सुना हो जाएगा और अब उस चीज़ को व्यक्त नहीं कर सकता, जुबान में वर्डिंग मतलब शब्द नहीं मिल रहे। तो अभी यहाँ कैसा माहौल होने वाला है, यहाँ भी कैसा माहौल होने वाला है? अभी आरती के बाद विसर्जन होगा माता का और सब दुखी मन से नाश्ता पानी करके जाएंगे, लेकिन मन में दुख रहेगा। अच्छा, माता जा रही है, लेकिन अगले साल फिर से आए पूरी श्रद्धा से। जय माता, जय माता। तो कुछ बोलना चाहेंगे माता जी से? माता जी की इतना कृपा हो जाए कि हम सब बने बने रखें, कोनो का आपत्ति को कष्ट मत आए, जाते जाते माता अपना आशीर्वाद दे दे सबको, कोइला कि सब सब सुख से समृद्ध हो जाए पूरा। जय माता दी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दुर्गा माता को लाने के बाद माता रानी की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है और फिर उन्हें विसर्जन के लिए तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमें जवारा मिली, जहाँ यहाँ पे जवारा भी ठंडी करते हैं लोग, और ये जोत देख रहे हैं ये है दुर्गा माता की जोत, इसे हमेशा जलते रहना चाहिए और इसे जलाए रखते हैं हमेशा, ये बुझती नहीं है कभी, ये भी ठंडी होती है। और ये देखिए फ्रेंड्स,
बहुत सारे विधि विधानों से माता रानी की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है और फिर 9 दिन उनकी अच्छे से सेवा करने के बाद 9वें दिन उनका विसर्जन किया जाता है, जो भी बहुत धूमधाम से करते हैं। और लाया भी माता रानी को बहुत धूमधाम से जाता है और विसर्जन भी बहुत धूमधाम से होता है इनका। परमेश्वरी सुमन सुगंधित पुष्पदे सुमन सुगंधित पान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरी मांबे करो बोलो दुर्गा मिलाती क्या करूं जब मेरा खुद अच्छे से नहीं चल रहा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं क्रेन द्वारा माता को विसर्जित किया जा रहा है और यहाँ भीड़ के तादाद में मस्त मेला लगा है। जय माता दी। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं माता रानी का विसर्जन कितने शांतिपूर्व माहौल में किया जा रहा है।
जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, अभी और भी मूर्तियाँ आनी बाकी है बहुत सारी। यहाँ तो रात भर मेला लगा रहेगा माता के विसर्जनों। जोर से बोलिए जय माता। देख सकते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जाएंगी उनके लिए क्रेन, यहाँ पर क्रेन की सुविधा दी गई है। क्रेन द्वारा माता की मूर्ति को नीचे 9 मिनट दिया जाता है, उसके बाद विसर्जन की जाती है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं आज की माता जी विसर्जन के लिए मूर्ति क्रेन में बांधी जा रही है और इसे अभी थोड़ी ही देर में नीचे उतारा जाएगा। जय माता दी। जैसा कि देख सकते हैं क्रेन वाले भाई साहब, दिन रात इनकी ड्यूटी लगी रहेगी और ये काफ़ी मेहनत करेंगे अभी और इनका हजूम जो है रात तक चलता रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि अब माता की मूर्ति नीचे नाव पे बैठ गई हैं, अभी इन्हें विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा। रुक गया भाई, धीरे धीरे ले चला। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी तादाद में भीड़ लग गई है यहाँ पे और माता का विसर्जन अब चालू हो गया है और यह तादाद जो है दोस्तों रात भर तक रहेगा और हो सकता है कल भी हो। दोस्तों काफ़ी यहाँ की, क्योंकि दुर्ग और भिलाई और काफ़ी जगहों से दोस्तों यहाँ पर मूर्ति विसर्जित होने के लिए आती है और सुसज्जित रूप से ही यहाँ पर माता का विसर्जन किया जाता है, क्योंकि हमारे शिवनाथ नदी में यहाँ हर साल जो है विसर्जन का कार्यक्रम होता है। देख सकते हैं दोस्तों कितनी भीड़ है। यहाँ ऐसा ही माहौल होता है दोस्तों 9 दिन का। माता विराजमान से लेके विसर्जन तक का बहुत ही बढ़िया माहौल रहता है दोस्तों।
जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं जलपान का भी व्यवस्थापन है दोस्तों, होटल भी है और यहाँ पर लोग नाश्ता पानी भी अपना पेट भर लेते हैं। इसी तरह से दोस्तों लगातार कगार पे रहेगा माता की मूर्ति। तो जैसा कि देख सकते हैं, देखिए माता का ज्वारा पहले जाएगा, फिर माता को अभी विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा दोस्तों क्रेन द्वारा, इन्हें भी उतारा जाएगा नीचे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग माता रानी का प्रसाद ग्रहण किए हैं। यहाँ पे प्रसाद भी बांटे जाते हैं, भंडारा भी किया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों ऊपर भी ओवरब्रिज में भी काफी लोगों की भीड़ लगी हुई है देखने वालों की। तो देख सकते हैं जैसा कि दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियों को अपने हाथों से विसर्जन कर रहे हैं ये लोग, उठाते हुए इतनी मेहनत करते हुए ये लोग यहाँ। ये सब भक्तों की श्रद्धा है। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं इसी प्रकार से माता की मूर्ति और भी आती रहेंगी। चलो मंदिर पर चलो। देखिए दोस्तों कितनी भीड़ है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर माता रानी है और इनको अभी विसर्जन किया जा रहा है। बहुत ही प्यारी माता रानी दिख रही है ये। इनके हाथ में गणेश जी भी है छोटे से।
सोच रहे हैं अब घर चलते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही मज़ा आया, एक ही जगह इतनी सारी माता रानी को देखा हमने और बहुत अच्छे से उनका दर्शन किया और प्रसाद भी लिया हमने और हमने आपको भी दिखाया। और तो फिर अगर आपको अपना हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।